गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई टीच यू इंग्लिश लेसन 6 टॉपिक बैरी द बैट। स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 2 में इंग्लिश पढ़ाऊंगी। लेसन है मेरा 6 और चैप्टर है बैरी द बैट। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में स्टोरी जो बैट के बारे में है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या है ए बैट का स्टोरी। ओके स्टूडेंट, बैट आर एनिमल डैट फ्लाई। हम सभी जानते हैं बैट चमगादड़ को बोलते हैं और वह एक जानवर है और वह उड़ता है। दे कैन बोथ सी एंड हियर। हाँ, हैव इज ए पिक्चर ऑफ ए बैट फ्लाइंग एंड अनदर वन ऑफ द बैट स्लीपिंग इन द केव। Look at how it is the hanging from the roof of the cave. अब आप देखते हैं इस स्टोरी में कि कह रहा है एक बैट है जो लटक रहा है, हैंगिंग में सोता लटकना, वह लटक रहा है रूप ऑफ केव, गुफा के छत से वह जो है वह लटक रहा है। वह बैट है जो स्लीपिंग मोड में है और छत से वह कैब का जो छत है उससे वह लटक रहा है। आज का यही चैप्टर है। तो पहले आप देखिए यहाँ पर ज्वाइन अप द टू पिक्चर ऑफ द सेंटेंस केयरफुली फॉर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट बैट्स ऑन हैज बीन डन फॉर यू। ए में है सम बैट्स कैन लिव फोर, आप क्या लिखोगे 30 to 40 years। सम बैट्स आर बिग, देयर विंग्स आर 6 feet लॉन्ग फ्रॉम इन टू एंड। उसके बाद सम बैट्स आर स्मॉल, दे आर ओनली 1 inch लॉन्ग। उसके बाद है बैट इट्स फ्रूट्स एंड इंसेक्ट। बैट आर यूजफुल बिकॉज दे कैन ईट अप टू 100,000 मॉस्किटो इन ए आवर। और बैट स्लीप अपसाइड डाउन, और बैट कैन बोथ सी एंड हियर इन द डार्क। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका ये ज्वाइन मैंने करके आपको बताई। अब मैं पढ़ूंगी, नाउ रीड द स्टोरी अबाउट द लिटिल बैट। बैरी इज बैट वाज जस्ट 3 month ओल्ड। बैरी एक बैट है जो 3 महीने का है। वन डे बैरी वाज स्लीपिंग आउटसाइड डाउन इन दिस केव। वह एक दिन केव में क्या कर रहा था, सो रहा था। इन द केव, गुफा में। सडनली ही वेक अप एंड फेल्ट अफेयर्ड ऑन द लाइट। और अचानक वह उठता है और लाइट को देखता है। ही कुड कॉल्ड हिज मदर, वो अपनी माँ को बुलाता है। ही कम फ्लाइंग अवर राइट अवे, और वह जो है उसकी माँ जो है दौड़ के उसके पास आती है, उड़ करके उसके पास आती है। हनी आर यू ऑल राइट, सी आस्क हिज मदर लवली वॉइस। उसकी माँ बड़ा मीठा आवाज में बोलती है कि तुम जो है ठीक हो ना। वेल आई सडनली वेक अप एंड देर वॉज ए लोट ऑफ लाइट इन द केव। मैं ठीक हूँ लेकिन मैं अचानक से उठ गया क्योंकि इस गुफा में बहुत से लाइट आ गए हैं। आई एम अफेयर्ड ऑफ द लाइट, रिप्लाई बैरी। बैरी बोलता है कि मैं बहुत ही गुस्सा हूँ इस लाइट को देख करके। अफेयर ऑफ द लाइट, डू डॉन नीड टू बी अफेयर, बट वी विल मूव यू टू ए डार्क पार्ट ऑफ द केव। उसकी माँ कहती है कि तुम गुस्सा मत हो, तुमको गुफा के उस पार्ट्स में ले जाएंगे जहाँ अंधेरा हो, सो डैट यू कैन फील ए लिटिल सफर। क्वेश्चन, उसके बाद बट मम प्लीज कैन यू कीप इन डार्क ऑल नाइट, लेकिन माँ क्या वहाँ पर सारी रात जो है डार्क अंधेरा रहेगा। हाँ, चिर्प्ड बैरी, आई कैन नॉट वॉन्ट टू वेक अप एंड सी द लाइट। जब मैं उठूँ तो मैं वहाँ लाइट देखना नहीं पसंद करूँगा।
श्योर सन, आई विल कीप इन डार्क ऑल नाइट। श्योर, ऐसा ही होगा बेटा, तुमको सारी रात जो है लाइट नहीं मिलेगा। थैंक मॉम, कैन यू गिव मी ए हग बिफोर गोइंग टू स्लीप। क्या सोने से पहले तुम मुझे अपने गले से लगाओगे। व्हाई, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू ए हग बिफोर गोइंग टू स्लीप। सोने से पहले मैं तुमको अवश्य अपने गले लगाऊंगी। बट प्रॉमिस मी यू विल हंग अपसाइड डाउन एंड गो टू स्लीप एट वंस आफ्टर डाइट। लेकिन तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम जो है हंग लटक करके गुफा में सो जाओगे। बट मॉम, व्हाट इफ यू डू डाइट एंड स्टिल डोंट फॉल स्लीप। ऑफ कोर्स यू विल माय सन, व्हेन यू कंफर्टेबल योर आइज विल बी क्लोज एंड यू विल सुन बी स्लीप। हाँ, ऑफकोर्स माई सन, निश्चित मेरा बेटा, तुम आँख बंद करो और धीरे धीरे तुम्हें नींद आ जाएगी। वी नो आई एम फीलिंग सो टायर्ड, तुम जानते हो कि मैं भी बहुत थकावट महसूस कर रहा हूँ। डाइट आई कुड जस्ट गो टू स्लीप राइट, और मैं भी सोना चाहती हूँ। गुड नाइट सन, गुड नाइट मम, चीप वेरी स्लीपली। और बैट जो है वो भी अपनी माँ को गुड नाइट बोलता है और दोनों सोने के लिए चला जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आपने पढ़ा कि बैट जो है उसकी क्या स्टोरी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसको करवाऊंगी। ओके बच्चों, बाय।